अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहज़ाद अहमद और आप देख रहे हैं अहमद क्यू के यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली एचवैक टेक्नीशियंस के लिए है या जो नए सीखने वाले हैं एसी का काम उनके लिए। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे यूनिवर्सल पीसीबी इंस्टॉल करते हैं एक एसी यूनिट में। तो ये मेरे पास एक पीजी मोटर वाला पीसीबी बोर्ड है, ये जो में एक पावर ट्रांसफार्मर है 13.5 वॉट का, ये इसका डिस्प्ले है, ये फैन कैपेसिटर, इसका रिमोट और ये टर्मिनल क्लिप, मोटर का जैक और ये पीसीबी। तो आज हम लोग चेंज करने लगे हैं एक स्प्लिट एसी मेट्रो का 1.5 टन का पीसीबी। नाज़रीन, मैंने इसका कवर ओपन कर लिया है एसी का। अभी मैं इसका पीसीबी कवर ओपन करूंगा जहाँ पे इसका पीसीबी है। ये इसका डिस्प्ले है पहले वाला, ये मैकवे का डेढ़ टन का यूनिट है। इसका जो टेम्परेचर कंट्रोल है, जो कंप्रेसर को ऑफ करने वाला है, वो इसी डिस्प्ले में होता है। और ये डिस्प्ले जब ख़राब होता है तो ये समझ लें कि पूरा पीसीबी ख़राब हो गया। क्योंकि नया पीसीबी अगर सेम कंपनी का पहले तो यहाँ पे मिलता नहीं, अगर मिलेगा भी तो वो बहुत महंगा है। उससे अच्छा है कि यूनिवर्सल पीसीबी इंस्टॉल कर दें, वो सस्ता भी है और अच्छा काम भी करता है। तो इसके लिए मुझे ये पूरा पीसीबी, इसके जितने क्लिप्स हैं ये निकालने पड़े। इसको खोल लेता हूँ, जी। तो ये दोनों पीसीबी मैंने निकाल लिया है, इसकी जगह दूसरा पीसीबी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ये हो गई लाइन वाली वायर जो पीसीबी में सप्लाई जाएगी, अच्छे से टाइट करना है, लोड संपर्क नहीं रखना। इसके बाद दूसरी है न्यूट्रल जो पीसीबी में जाएगी, और जो सप्लाई से न्यूट्रल आई है और जो आउटडोर को न्यूट्रल जाएगी, वो दोनों एक साथ कर दिए यहाँ से, डायरेक्ट कंप्रेसर में न्यूट्रल चली जाएगी और ये पीसीबी में न्यूट्रल जाएगी। अभी कंप्रेसर के जो कंट्रोल है, जो उसको ऑन करेगा कंप्रेसर, उसको वो ये वाली वायर इधर लगेगी कंप्रेसर वाले, सप्लाई न्यूट्रल और कंप्रेसर। हम लोग इसका मोटर का जैक चेंज करेंगे और पीजी जैक वैसे ही लगेगा जैसे पहले वाले ऐसे ही लगे। तो क्यों, ये नया पीसीबी है, इसमें जो जैक है और जो पहला वाला है उसमें ये कनेक्शन सेम नहीं है। तो हम लोग तो अभी मैं इस जैक को काट कर ये न्यू जैक इसमें जॉइंट करूँगा। में वाइट स्टार्टिंग है तो वाइट हेड के साथ जॉइंट होगी, क्योंकि मोटर में स्टार्टिंग रेड है।
अच्छे से साइन करके तो इसके टेप करना, और ऐसे ही तीनों को हमने ऐड कर लेना। और वाइट के साथ अभी जो चेक किया जा रहा है वो जॉइन कर, ब्लैक ब्लैक के साथ बिल्कुल इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है जी। दोस्तों अभी हमने कनेक्टर जॉइंट कर लिया है और वायर भी कनेक्टर में लगा दिया है सप्लाई की, तो अभी इसमें डीसी बोर्ड नया वाला कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफार्मर को जगह एडजस्ट करना है, जो सीवी का ट्रांसफार्मर है उसके लिए एडजस्ट करूँगा। इसको यहाँ पे ये डिस्प्ले, अभी इसका जो डिजिटल डिस्प्ले है यहाँ पे आपको टेम्परेचर नज़र भी आएगा। डिस्प्ले का जैक यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद ये रूम टेम्परेचर सेंसर, बिल्कुल ईजी है पी सी भी इंस्टॉल करना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ टेक्नीशियन के लिए है। ये जो एचवीएक टेक्नीशियन है वही इसको ट्राई कीजिएगा इंस्टॉल करने के लिए, या जो सीख रहे हैं उनके सीखने के लिए है। तो अभी जो फैन कैपेसिटर है उसका जो किए हैं सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे फैन मोटर का जैक है और ये पीजी जैक है, यहाँ पे पीजी की जैक लगेगा। अगर ये इंस्टॉल नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे ये छोटा वाला जैक, तो ये आपके डिस्प्ले में E3 का एरर दिखाएगा। यहाँ पे कंप्रेसर की वायर लगेगी ये वाली, यहाँ पे लाइन और ये न्यूट्रल, ये बिल्कुल बिजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अभी यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर का जैक लगा हूँ, यहाँ पे न्यूट्रल, लिखा हुआ है बिल्कुल भी इजी है, ये इंस्टॉल करना कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे कंप्रेसर में जो जाएगी वो, और यहाँ पे लाइन, अभी हमारे पास रहेंगे तीन जैक, ये यहाँ पे आ गया मोटर जो इंडोर की फैन मोटर है, ये उसका, और पीजी फीडबैक जैक लगेगा यहाँ पे। ये अगर आप ना ही भी लगाना चाहें तो इसका बॉक्स के अंदर एक छोटा सा जम्पर होता है वो लगा दें तो भी चलेगा। अगर ये इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपके पास E3 का एरर देगा डिस्प्ले से। और यहाँ पे जो स्विंग मोटर है उसका जैक बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग स्विंग लगाएंगे। जी यहाँ पे पीसीबी इंस्टॉल कर लिया है, अभी हम इसको बस कवर लगा के चला के चेक करेंगे। तो बिल्कुल भी इजी है गाइस पीसीबी इंस्टॉल करना, ये पीजी मोटर का पीसीबी है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कुछ सीखने को मिला। तो एचवीएक के रिलेटेड में बहुत सी वीडियो अपलोड करूँगा जिससे आप लोग को सीखने में बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।
जी दोस्तों, अभी हमने इसका पीसी भी चेंज करके कवर लगा के और इसका डिस्प्ले ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अभी ये सोलर टेम्परेचर दिखा रहा है और हम लोग इसके रिमोट से भी सोलर ही कर देंगे, रूम टेम्परेचर सोलर।